This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, so welcome back to our channel, Finvest. तो आज मैं आपको 13 अक्टूबर 2020 की calls का review कर देता हूं, फिर उसके बाद 14 अक्टूबर 2020 के लिए कौन से stocks better रहेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जैसे मैंने आपको कल YouTube पे दिया था, Sipla और Tata कम्युनिकेशन सिप्ला में हमारा देखिए बाई साइड का एक टारगेट अचीव हुआ शॉर्ट साइड साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव है सिपला में देखिए अब पहले टारगेट प्राइस मैं हमेशा स्मॉल रखता अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूँ पहला टारगेट प्राइस मैं हमेशा स्मॉल रखता हूँ उसका रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज मैं आपको सिप्ला का चार्ट दिखाता हूँ उसके आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं पहला टारगेट प्राइस स्मॉल क्यों रखता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि ये जो स्टॉक था ये ओपन एक्चुअली मैं मैं इसे थोड़ा सा साइड कर देता हूँ हाँ तो अब आपको क्लियर देखेगा ये स्टॉक जो कल था वो यहाँ पे क्लोज हुआ था और जो आज ओपन हुआ वो यहाँ पे कहीं पे हुआ था तो यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसा कि मैंने कहा था गैप डाउन ओपन होने के बाद ये इतनी रीच ली इसने एग्जैक्ट ये गया ट्वेंटी एट तक एट ट्वेंटी एट तक और एट ट्वेंटी फोर लगभग हमारा जो पहला टारगेट प्राइस था ये इसीलिए मैंने छोटा रखा था क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद भी वो अपना टारगेट अचीव कर लिए इसलिए मैं अपना पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रखता हूँ और गैप ओपन होने के बाद अब शॉर्ट सेलिंग साइड का टारगेट अचीव कर लिया इसलिए पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रखता हूँ अब देखिए बाकी लोगों ने इसमें गलती क्या की तो जैसे कि ये अप ट्रेंड जा रहा था तो देखिए पहली बात तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो आपको पहले ट्रेंड पहचानना पड़ेगा कि एक मार्केट कैसे जा रहा है अब एक कैंडलिस्टिक डाउन में आप ये नहीं कह सकते कि इसे हम शॉर्ट सेल भी करेंगे या कुछ करेंगे ये जो इसकी इनिशियल पोजिशन से ये ऐसे जा रहा था तो आप इसमें शॉर्ट सेल ऐसे टाइम पर शॉर्ट सेल बिल्कुल नहीं करेंगे बढ़ते मार्केट में शॉर्ट सेल नहीं करना है गिरते मार्केट में बाई नहीं करना जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था बीच में जो आपको बताया था काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर क्लियर कर दूं कि जैसे बढ़ते मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग की सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता है पहले आपको ट्रेंड पहचानना पड़ता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है थोड़ा टाइम लगता है इसमें अभी गैप डाउन ओपन हुआ है आपको बहुत टाइम है आपके बाइंग साइड के लिए कॉल के लिए और शॉर्ट सेलिंग की साइड का अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं अगर आपसे मिस हो गया तो अगली बार आपको पता रहेगा कि ये डाउन ट्रेंड की डाउन ट्रेंड में जा रहा है मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको अगर एक बार मिस होता है तो उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ से ये अब जा रहा था तो ऐसे में अगर यहाँ पर आप शॉर्ट सेल करेंगे तो ये तो फिर आपको ऐसेल हिट हो गई तो बढ़ते मार्केट में शॉर्ट सेल नहीं करना है और गिरते मार्केट में आपको बाई नहीं करना जैसे यहाँ पे ये मार्केट जब गिरने लगा उसके बाद आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा और यहाँ जाके आपके तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए होंगे तो ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी इसके क्या क्या टारगेट होने वाले हैं प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना तो इसलिए मैं पहला टारगेट वाइज अपना स्मॉल देता हूँ टाटा कम्युनिकेशंस में हमारा जो था ट्रेड नहीं रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप ओपन हो गया था और इसने अपना गैप फिल नहीं किया बाकी मैं बात कर लूँ अपने टेलीग्राम चैनल में जो मैंने स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे पॉलीप्लेक्स में हमारा बाई साइड का एसएल हिट हो गया था शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट अचीव हो गया था कैडलेक में हमारा बाई साइड के दो टारगेट अचीव है शॉर्ट सेलिंग साइड के दोनों टारगेट वाइज अचीव है तो ये बात ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है क्योंकि मॉर्निंग में मैं वहाँ पर कॉल प्रोवाइड करता हूँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ अगर ये प्राइस आपको बड़े लगते हैं आपको छोटे शेयर प्राइस चाहिए ट्रेड करने के लिए कि जिन स्टॉक का प्राइस जो है वो छोटा छो, हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाकी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा तो जल्दी से आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए बाकी फोटीन अक्टूबर टू थाउंट ट्वेंटी के लिए पहला स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है वो है अमराजा बैटरीज जिसे आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा आपका सेवन थर्टी थ्री का एज़ यूजुअल मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए लेवल ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे उसमें उसको बाय कर लेंगे लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा तो सेवन थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा आप इसे बाय कर लेंगे स्टॉपलेस रहेगा आपका सेवन ट्वेंटी नाइन का और टारगेट प्राइस रहेगा आपका सेवन थर्टी टू का सॉरी सेवन थर्टी सिक्स सेवन फोर्टी टू और सेवन फोर्ट एट अभी मैंने आपको समझाया कि पहला टारगेट प्राइस आपका छोटा क्यों रहेगा शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा आपका सेवन ट्वेंटी एट का स्टॉप लॉस रहेगा सेवन थर्टी टू का टारगेट रहेगा आपका सेवन ट्वेंटी फाइव सेवन ट्वेंटी और सेवन वन फाइव का अगला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है ग्रेसिम देखिए ध्यान रखिएगा कि आगर पहला, आगर अगर पहला अगर स्टॉक गैप का ओपन होता है आप वेट करेंगे उसके गैप फिल होने का टेन ए एम तक टेन ए एम तक गैप फिल कैसे होगा आपको कैसे पता चलेगा कि गैप फिल हो गया बाइंग और शॉर्ट सेलिंग साइड का बीच में कहीं पे वो एक या दो मिनट का होल्ड लेगा एक मिनट का मिनिमम होल्ड लेगा ले उसके बाद ऊपर बढ़ेगा जैसे गैप डाउन ओपन होने के बाद एक मिनट का होल्ड लेने ले के बाद जब नीचे आएगा तभी आप उसे शॉर्ट सेल करेंगे वरना आप उसे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे क्योंकि एक मिनट का होल्ड लेना बहुत ज़रूरी है ट्रेंड को चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और ऐसे ही आप गैप अप ओपन होने के बाद अगर दोबारा से बाय करना चाहते हैं उसे हमारे लेवल पर तो वो नीचे आने के बाद जैसे मान लीजिए ग्रेसिम ओपन वा सेवन फिफ्टी टू पर तो सेवन फिफ्टी टू के बाद आप नीचे आएगा वो सेवन फोर्टी सेवन सेवन फोर्टी एट पे वहाँ पर होल्ड लेगा उसके बाद वो दोबारा ऊपर जा रहा होगा तब आप उसे बाय कर लेंगे लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होगी पहले एक मिनट का उसे होल्ड लेना पड़ेगा फिफ्ट और फोर्टी फाइव के बीच में तभी आप उसे बाय करेंगे तो ग्रेसिम आप बाय कर चलेंगे सेवन फिफ्टी का जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा स्टॉप लॉस रहेगा आपका सेवन फोर्टी सिक्स का टारगेट रहेगा सेवन फिफ्टी थ्री सेवन फिफ्टी नाइन सेवन सेवन सिक्सटी फाइव का और शॉर्ट सेलिंग प्राइस शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी सेवन फोर्टी फाइव की टारगेट रहेगा आपका सेवन फोर्टी टू स्टॉपलस रहेगा आपका सेवन फोर्टी नाइन का पहला टारगेट प्राइस आपका स्मॉल रहेगा सेवन फोर्टी टू सेवन थर्टी सेवन और सेवन थर्टी टू आपके तीनों टारगेट प्राइस रहेंगे तो ध्यान रखिएगा बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा डिस्प्ले में भी आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा मॉर्निंग में मैं दो कॉल्स वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाने मत भूलिएगा उस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा